बजाते रहो, ताली बजाते रहो, बोलने ही नहीं देना। बेल बॉटम की पूरी टीम आई हुई है। ओए होए होए पाजी, मेरी तरफ से लाख लाख बधाई आपको। बेल बॉटम की टीम आई, तू पजामा पहन के आ गया, बेशर्म आदमी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कपूर शर्मा यार, इतने बड़े बड़े स्टार्स आए हैं, इंट्रोडक्शन तो करवाओ। अच्छे पाजी, तो तेरे को जानते ही हैं। तो ये जानना नहीं चाहती। पर मैं वैसे बता देता हूँ, ये चंदू है। अच्छा, बहुत ही क्यूट नाम है, बड़ा क्यूट है। और ये नौवीं फेल भी है, ये भी। अच्छा पाजी, ये इसमें कुछ जेलसी नहीं दिखी आपको? इसकी जेलसी तो, ये तो जब से इसने कॉमेडी शो करना शुरू किया तब से इसकी जेलसी नजर आती है। नहीं पाजी, आदमी को बर्दाश्त ही नहीं है किसी की चीज। अभी कह रहे थे अपने दोस्त लेके आता, अब कह रहे जेलसी। नहीं, ये आठवीं पास भी बोल सकता था, लेकिन नौवीं फेल है। कोई बात नहीं, फेल मैं कौन सा इधर शो होस्ट कर रहा हूँ। उमा जी, वाणी जी, एक्चुअली चक्कर क्या है, पास आके बात कर ले, पास आके बैठ। आठवीं पास की खुशी में इधर आके बैठना। नहीं दे, अब मैं बिठा रहा हूँ, तो आने का। उधर क्यों, बीच में बैठ। बीच में मत बिठाना, फिल्मों का आपकी का प्राइस कम हो जाए। वो फोटोग्राफर का है, ये लो। हाँ, ये ऐसे। ओ पाजी, ये लो। एक्सप्रेशन दे, ऐसे लग रहा है दो बहनों का एक ही भाई है और दोनों बड़ा प्यार करती हैं। सूट ही नहीं कर रहा था बीच में बैठा, वो ड्रेस केला तुम ले लो फिर। वो चक्कर ये हुआ जी, वो आठवीं पास की खुशी में ना मैं पार्टी बहुत ज्यादा की मैंने, एक साल में पार्टी करता रहा। और आपको पता है जब फेस चॉकलेटी हो थोड़ा सा तो फ्रेंड सर्कल बन ही जाता है। अब तो आप खुद पीटेंगी कि मैं पीटूं? यार कभी तो कुछ पॉजिटिव बोल दिया करो मेरे बारे में। पाजी, नाइन्थ क्लास तो छोड़ो, ये केजी में फेल हो गया, सोचो। वो भी तब जब इसकी मौसी प्रिंसिपल थी। वो तो मेरी मौसी और मेरी मम्मी का झगड़ा चल रहा था, इसलिए ऐसा रिजल्ट आया। तो इसका मतलब मम्मी पापा का भी झगड़ा चलता होगा तभी ये रिजल्ट आया। पाजी, ये कुछ भी बोलता रहता है। इधर छोटे भाई ने छोटी सी दुकान खोली है और इसका मैं फाउंडर हूँ। फाउंडर पता ना तुम्हें क्या होता है? फाउंडर क्या होता है? ओ यार, और जैसे टाटा के जमशेद टाटा जी हैं, हाँ। और लायंस के धीरू भाई अंबानी जी हैं, हाँ। वैसे 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर का मैं फाउंडर हूँ। बहुत बड़ा फाउंडर है, इसमें तो कोई शक नहीं। जैसे गली में किसी का अंडरवेयर सूख रहा हो, गुम हो जाए, इसके अंदर मिलेगा पजामे के। अच्छा, एक तो अनाथ कच्छों को अपनी बॉडी में शरण दो और ऊपर से इसकी बातें सुनो। यार मेरी बात सुनो, मैं कपड़ों वपड़ों में ध्यान नहीं देता। हाँ। मेरा विजन बहुत बड़ा है, मेरा फोकस सिर्फ बिजनेस पे रहता है। हाँ। बिल्कुल मार्क शत्रुमुर की तरह। कौन? मार्क शत्रुमुर। मार्क शत्रुमुर कौन है? यार फेसबुक का सेठ। हाँ? अबे वो मार्क जुकरबर्ग है। कोई भी वर्ग हो, कपड़ों की तरफ ध्यान दिया कभी उसने? पाजी, जो मिलता था पहन के चले जाता था वो। आज देख लो वो कहाँ पे है। कहाँ पे है ये तो पता, कहाँ रहता, कहाँ पे है वो? अभी तो शो में नहीं है पाजी। ये भाई ने छोटी सी दुकान खोली, अगर आप फीता काट दें तो मेरी जो दुकान है वो बुलंदियों को छुएगी। फीते काटने के पैसे जो देने हैं वो वो कौन देगा? ये मोहब्बत है फिर, ये तो प्यार है ना। तो कम से कम ये तो बोल दे हर महीने का राशन पहुंचा दिया करूंगा। वो पाजी कहने की बात है, वो तो खुद ब खुद आ जाना है। चलो फिर ठीक है, लगाओ। नहीं पाजी, कोई फीता नहीं कर रहा, कोई बुलंदियां पे नहीं जाएगा ये कभी। सांप सीढ़ी में 100 तक नहीं पहुंचा ये। कैसे पाजी 100 तक पहुंचूंगा? 99 पे जो सांप जो बैठा हुआ है। सुन मेरी बात, वो ऐसी वैसी दुकान के फीते नहीं काटते अक्षय पाजी, समझ में। ऐसी वैसी दुकान का क्या मतलब है तुम्हारा? उसका क्या पल्लू गिरा हुआ है मेरी दुकान का? क्या चाल चलन खराब है? आप ही बताइए, मेरी दुकान पे जो माँ की दाल है वो क्या सुतेली माँ की दाल है? हिमा जी, आपको पता है जी, रात को मेरे को सपना आया। ओहो, कि आप मेरी दुकान से ना सामान खरीद रही हैं। अच्छा,
अगर आप मेरा ये सपना पूरा कर दो ना तो बाप को, भाई को, दादा को, सबको मजा आ जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई उमा का सपना देखने की? एक काम करो यार, मेरे को ये लो पेन ड्राइव, जो जो सपने मैंने देखने वो मेरे को डाउनलोड करके दे दो, मैं देख लूंगा। हद हो गई यार, अब ये सपने भी चैनल की मर्जी से देखूं मैं। अकी बाजी, आप भी पंजाबी हो, मैं भी पंजाबी हूँ। अभी ये कहेगा कंबल दे दो मेरे को। नहीं नहीं, वो सर्दियों में। हाँ। वो सर्दियों में, अब तो मैंने छाता सोचा हुआ था यार। पाजी रेनी सीजन चल रहा है ना, एक्चुअली पता क्या, जब आप इधर आते ना तो ये प्रेशर ले जाता है एपिसोड का, कॉन्शियस हो जाता है, इसलिए ये मौसम इधर उधर हो गए। पहले तू अपने होटल पे जीप फेर जो सूख रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आती मांगते हुए? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? हाँ। पहले मेहनत करो इतने साल, फिर कमाइयां करो, वही चीज आपको दो मिनट ऐसे करके मिल जाए तो क्या। और मेरी बात सुनो यार, मांगने का तो दिल तुम्हारा भी बीच बीच में से करता है, बस तुम में GUTS नहीं है। GUTS क्या होता? अगर मैं गट्स कहता तो ये कहता स्पेलिंग सुनाओ। यार अकी बाजी, मेरी दुकान में इतना बढ़िया बढ़िया सामान है, अगर आपको नहीं पसंद आएगा फीता मत काटना, आप सामान देख लो पास से एक बार। दिखाओ क्या है। मेरे पास ना अक्षय तृतीय चावल है। अक्षय तृतीय चावल? अक्षय तृतीय चावल। ये कैसे होते हैं? जो आम चावल है ना वो चार सीटियों में बनते हैं, ये तृतीय सीटियों में बन जाते हैं। ये तो कुछ नहीं, मेरे पास अक्षय आटा भी है। उसकी क्या खासियत है? उसमें पानी डालो वो गूंद जाता है। तो ये तो फिर नॉर्मल आटा ही हो गया ना। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है ये जो अक्षय आटा वो सुबह सुबह 4 बजे उठे अपने पेड़े खुद करके तंदूर पे ऐसे बैठ जाए तो चलो फिर वहां पर उठे। आटे में कोई खासियत नहीं होती, आटे ऐसे ही होते हैं। खैर मानी जी, अगर आप में कभी चैरिटी करने का मन हो, कभी कोई भी, कभी भी मतलब, तो मुझसे छोटी सी शादी कर लेना। छोटी वाली शादी? तेरे थॉट ये आते कहाँ से? कहाँ वो और कहाँ तू, ये है मतलब क्या? कहाँ वो वहाँ, मैं यहाँ। शक्ल देखी तूने कभी अपनी? इस शक्ल के हिसाब से जितनी वो खूबसूरत है इतनी जल्दी लड़का नहीं मिलेगा। देखो पाजी, सही बात बोली, शादी के लिए लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं, आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। नहीं, आप बहुत गुड लुकिंग है, मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा बहुत खूबसूरत है दिखने में। नहीं, आप ये तो मैं आपकी लाइक नहीं हूं। आपका बड़प्पन है, मैंने शीशा तो वो भी देखता ही है। खैर अच्छा, मुझे ये बताइए, शक्ल अपार्ट, शक्ल अपार्ट, आपको कैसा लड़का पसंद है? जिसकी अकल हो। चलो, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.